ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब मंगल ग्रह किसी राशि के तीसरे छठे या फिर ग्यारहवें भाव में आता है तब ये योग लाभदायक होता है। वहीं अगर मंगल ग्रह प्रथम दूसरे चौथे पांचवें और आठवें नौवें और व्यय भाव में आता है तो ये नुकसानदायक होता है। आज हम आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी राशि में मंगल वक्री होकर गोचर करने लगेंगे यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा उन राशियों पर। पहला, मेष राशि। मेष राशि का प्रभाव, मंगल ग्रह के वक्री होने का प्रभाव मेष राशि के जातकों पर हानिकारक है, जिस वजह से आपको कई तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। आपको अपना हर काम संयम और धैर्य के साथ करना होगा, वरना आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। दूसरा, वृषभ राशि पर प्रभाव। वृषभ राशि पर मंगल ग्रह वक्री कर रहा है, जिस वजह से वृषभ राशि वालों को हर काम में बाधाएं आएंगी। आपको धन संबंधित मामलों में थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए धन का संभल कर निवेश करें। इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, मिथुन राशि पर प्रभाव। मिथुन राशि पर मंगल का वक्री होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिस वजह से इस राशि के लोगों को नौकरी में कुछ दिक्कतें आएंगी। इस दौरान आप पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, आपको ज्यादातर हर काम में बाधाएं आ सकती हैं। साथ ही आपके कई दुश्मन आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसलिए आप हर काम को संयम से करें, ऐसा करना आपके लिए लाभदायक होगा। चौथा, कर्क राशि पर प्रभाव। कर्क राशि पर मंगल का वक्री होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये समय आपके लिए नुकसानदायक है, जिस वजह से आपके कैरियर की तरक्की में रुकावट आ सकती है। आपके अनचाहे खर्चे होने के योग हैं। आपको धन संबंधित नुकसान हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, नहीं तो आप बहुत ही बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।